हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। ने यहाँ पर मैच हो रहा है कोबा सोडो अमेरिकन लीग का, रेड बुल ब्रेगेनिटो वर्सेस अमेरिका मिनारियो के बीच। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो रेड बुल ब्रेगेनिटो एक अमेरिका मिनारियो में जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं फेवर करूँगा रेड बुल ब्रेगेनिटो को। तो ये मैच लिटरली में अमेजिंग है, तो आपको बता दूँ कि रेड बुल को ही फेवर करना, रेड बुल ब्रेगेनिटो को ही फेवर करना, ठीक है। कई लोग हो सकता है मिनारियो को फेवर करें, वो आपकी सोच है गाइस, जो आप जिसको करना चाहें। क्योंकि सो कोपा सोडा अमेरिकन लीग के जितने भी मैचेस हुए हैं, एक तरफ परला बहुत भारी नहीं होता, दोनों तरफ बराबर रहता है। मैं मतलब हर मैच में देख चुका हूँ। तो क्या है कि इस मैच में आपको इसी प्रकार टीम बनानी होगी। तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ, साशा को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा। एडवर्डो साशा इज़ अ मेन प्लेयर। एडवर्डो साशा को बहुत नॉलेज है भाई खेलने की, मतलब नॉलेज इन द सेंस बहुत अच्छा खेलता है। अब प्लेयर में तो देखो नॉलेज की क्या जरूरत, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो है इस बंदे की। एंड बॉर्बस की बात करें, देखिए टी बॉर्बस का जो गोल रेशियो है वो उसमें तो अच्छा था भाई। ब्राज़ील सीरीज लीग का भी एक मैच हुआ था, उसके अंदर भी इसने बढ़िया एक गोल एक असिस्ट किया था, तो मैं बॉर्बस को लूँगा। एंड आगे से बात करें ऑपोजिशन टीम की, तो इनका तो मैस्त्रियानी पेनल्टी टेकर के साथ साथ मोस्ट गोल करने वाला प्लेयर भी है, सो बनता तो है, ये प्लेयर ज़रूरी है वैसे मैं आपको कहूँ। आगे से बात करें मिडफील्डर की, तो मिडफील्डिंग में यहाँ पर मैं जो प्लेयर है लुकास को लूँगा, लुकास एवेंगलिस्टा, ठीक है। जूनियो खेला नहीं था, सो जूनियो मतलब मेरे को लगता है कि जूनियो अगर नहीं खेलता तो आप किसी और प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, लाइक मैथ्यूस फर्नांडिस, पर इतना बेटर नहीं है ये जितना कि गाइस जूनियो है, ठीक है, उतना बेटर नहीं है। सो अब आप देख लेना कि रखना है कि नहीं। अब मेरे से पूछोगे तो मैं तो मेरी तरफ से तो ना है भाई, मैं इतना बड़ा रिस्क ना ले रहा, BRGT के साथ हूँ, बट ये मतलब नहीं कि सारे ले लूँ। एंड MIN के और प्लेयर्स की बात करें, जेवियर मेंडिस, ठीक है, जरूरी है। जेवियर मेंडिस के बाद एक आध प्लेयर जो आपने लेना है वो मैं आपको राय दे सकता हूँ, एडोस एंजोस, ठीक है। अगर खेला नहीं लेना देन यू कैन गो विद एम कार्डोसो, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ना ही मैं अपनी टीम में ब्रेनो को ले रहा हूँ, ब्रेनो की राय भी नहीं दे रहा, तो ये दोनों प्लेयर डन है। बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, यहाँ पर है एल कैंडिडो के साथ जाएंगे। आगे से बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर जूनिनो के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेयर होगा वो है गोंजागा सेंटोस, अगर खेला, ठीक है, नहीं खेला तो बदल देंगे। और आगे से बात करें एक इनका प्लेयर है हुटेडो, अगर ये भी खेला बहुत बेटर प्लेयर है, खेलना चाहिए भाई, खेलना तो चाहिए मेरे हिसाब से। एंड आगे से बात करें गोलकीपिंग सेक्शन के अंदर, हमने पिछले मैच के अंदर जिसको खेला देखा था उसका नाम था मैटियोस ने इन्हीं के खिलाफ खेला था 4 अगस्त, और 4 अगस्त के बाद इस टीम का एक मैच हुआ था MIN का। तो मतलब बढ़िया टीम है वैसे, और इनको है थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस भी इन सब है, और इस टीम के पास इस टीम को पहले भी फेस कर चुका है प्लेयर, सो इस दिक्कत नहीं आएगी। बात करें यहाँ पर कप्तान की, तो यहाँ पर कप्तान जो है वो है गाइज साशा, ठीक है, और वाइस कप्तान जो अपना है वो है बॉर्बस, ठीक है। बाकी चेंज करना हो तो कर सकते हो आप कोई प्लेयर, बाकी ऑलमोस्ट ये मेरी टीम फाइनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।